Hi everyone, salam, namaste and welcome back to my channel. I am Poonam from Your Life, My Life से. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नो बेक केक, साथ में एक डिनर रूटीन एंड किस तरह से मैं करी पत्ता और मेन को स्टोर करती हूँ. फिर ओवरऑल इस वीडियो में आप लोग ये सब देख पाएंगे. तो पहले मैं जब आफ्टरनून हो या इवनिंग के टाइम में इस तरह से कुछ भी सब्जी हो या वेजिटेबल्स हो या क्लिफी हो किस तरह से स्टोर करना होता है तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उसी वहीं पे स्पेंड करती हूँ. तो मेरा ये रूटीन जो है आफ्टरनून टू नाइट रूटीन. तो यहाँ पर मैं करी पत्ते को अच्छे से धो ले रही हूँ. सेम प्रोसेस में मिंट का भी जो लीफ है अच्छे से तोड़ के मैं अच्छे से उसको वॉश कर लूँगी. एंड वॉश करने के बाद दोनों को जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको मैं निकाल देंगे. इसके लिए 5 to 10 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड नेक्स्ट मैं इसको किसी लीड के द्वारा भी कवर कर देती हूँ या कभी कभी मैं स्ट्रेनर के साथ भी कवर करती हूँ. पर मैं धूप में नहीं रखती हूँ, मैं माइक्रोवेव में भी नहीं रखती हूँ. बिकॉज अगर धूप में अगर रखते हैं तो इसका जो कलर होता है वो ख़राब हो जाता है. माइक्रोवेव में बन जाता है विद इन 5 मिनट के अंदर. बट इसके लिए आपको ड्यूरेशन हर बार 1 मिनट का ड्यूरेशन करते हुए आपको 5 मिनट में ट्राई करना चाहिए. बट समर के टाइम में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लीफ ही बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है. नेक्स्ट है जो नो बेक केक. तो नो बेक केक के लिए मैं यहाँ पे लिया हूँ बिस्किट, डाइजेस्टिव बिस्किट. आप लोग मैरी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, साथ में मैं लूँगी बटर. आप लोग ओरियो बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं, बट ओरियो बिस्किट को आपको फुल यूज़ करना होगा और उसमें आपको बटर देने की ज़रूरत नहीं है. मैं यहाँ पर डाइजेस्टिव बिस्किट यूज़ कर रही हूँ, साथ में बटर डाल रही हूँ और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया हूँ. नेक्स्ट मैं यहाँ पे लूँगी क्रीम चीज़. मैं यहाँ पे लिया हूँ क्रीम चीज़. क्रीम चीज़ जो मैं ले रही हूँ ये मैं बाहर से खरीद के लाई हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो बिस्किट मैं ली थी उसको अच्छे से सेट कर लूँगी एक केक टिन में. अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप लोग कोई भी शीशे वाला जार जो साइज़ में छोटा हो उसमें भी जिस तरह से मैं केक टिन में सेट कर रही वैसे भी कर सकते हैं. या अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो कोई भी पैन में आपको बटर पेपर रखना होगा, उसके बाद आपको सेट करना होगा. बिकॉज ये जो केक टिन है ईजिली रिमूव हो जाता है, दैट्स व्हाई मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. एंड इसके बाद मैं ले रही हूँ क्रीम चीज़, जिसके लिए मैं पहले ले रही हूँ बाउल. तो यहाँ पे जो क्रीम चीज़ है वो 200 ग्राम क्रीम चीज़ है. और क्रीम चीज़ में यहाँ पे मैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनाने जा रही हूँ. तो यहाँ पे 200 ग्राम क्रीम चीज़ को अच्छे से हम लोग ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे से बीट कर लेंगे. एंड बीट करने के बाद जब एक क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क. कंडेंस मिल्क मैं यहाँ पर 100 ग्राम यूज़ कर रही हूँ. आप लोग अपनी हिसाब से मीठापन कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं. मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो मैं 100 ग्राम ही यूज़ करूँगी. एंड यहाँ पर क्रीम चीज़ अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, तो ये स्टेज में मैं दे रही हूँ कंडेंस मिल्क. अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप लोग मिल्क पाउडर से भी कंडेंस मिल्क बना सकते हैं. उसका पूरा रेसिपी मेरे चैनल पे है, वहाँ जाके चेकआउट भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर कंडेंस मिल्क एंड जो क्रीम चीज़ है उसको भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे. ये हो सकता है आपके पास क्रीम चीज़ भी ना हो तो आपके पास जो दूध है उसको अच्छे से फाड़ लीजिए. क्रीम चीज़ और कुछ नहीं होता, क्रीम चीज़ पनीर ही होता है. उसको फाड़ने के बाद जो पनीर आता है उसको अच्छे से ब्लेंड करके किसी एयर टाइट डब्बे में सेट करके छोड़ देना होता है. तो क्रीम चीज़ में हल्का सा खट्टापन रहता है, बल्कि मैं यहाँ पर लेमन यूज़ नहीं कर रही हूँ. आप लोग यहाँ पर लेमन यूज़ कर सकते हैं, वैनिला एसेंस यूज़ कर सकते हैं, बट मैं बहुत कम इन्ग्रीडियंट के साथ बना रही हूँ क्योंकि बहुत ईजी बन जाता है और समर में सिंपल खाना ही अच्छा लगता है. तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ब्लेंड होने के बाद देखिए कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी आएगा. तो हम लोग यहाँ पर बंद कर देंगे, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, नहीं तो पनीर टूट के यहाँ पर छीना बन सकता है. तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर हार्डली 4 से 5 मिनट तक ही काफ़ी होता है. और हम लोग यहाँ पर जो बिस्किट वाला लेयर था उसके ऊपर हम लोग पोर कर दे रहे हैं. पोर करने के बाद इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, हल्का सा सिर्फ टैप करना होता है. एंड देन आपको डायरेक्टली जाके फ्रीजर में रखना होता है. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उस स्पेस में आप डीप फ्रीजर में रख सकते हैं, नहीं तो रेफ्रिजरेटर में आपको 3 to 4 hours के लिए छोड़ देना होगा. तो मैं यहाँ पर रेफ्रिजरेटर ही यूज़ कर रही हूँ. अगर मेरे पास जब टाइम नहीं रहता तो मैं डीप फ्रिज का भी यूज़ करती हूँ. तो आप लोग अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिएगा, बिकॉज़
बहुत ज़्यादा मीठा करने के चक्कर में आप लोग कंडेंस मिल्क ज़्यादा नहीं डालेगा, नहीं तो जो चीज़ क्रीम केक है वो लिक्विड ही बनेगा, तो कट करने के टाइम दिक्कत भी हो सकता है। तो अच्छे से टैप करने के बाद मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रख दे रही हूँ और मैं 3 to 4 hours के बाद इसको निकाल लूँगी। आफ्टर 3 to 4 hours के बाद यहाँ पर क्रीम चीज़ एकदम से रेडी है। आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, बट मेरी बेटी को आजकल एवेंजर से बहुत ज़्यादा प्यार है और स्पाइडरमैन हल्क हमेशा करते रहती है, तो मेरे पास था स्ट्रॉबेरी सिरप, तो मैं उसी से ही थोड़ा सा मैं नेट जैसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। दैट्स इट, और कुछ नहीं, सिंपली एकदम अब देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा। और मैं इसके ऊपर डाल दूँगी अखरोट, जिससे आपको थोड़ा सा स्पाइडर का लुक आए और बच्चे लोग को थोड़ा देख के भी खाने का मन आ जाए। बहुत ही हेल्दी है क्योंकि क्रीम चीज़ है, कंडेंस मिल्क है एंड बिस्किट है और कुछ भी नहीं है। और मैंने जो डाइजेस्टिव बिस्किट यूज़ किया वो भी ओट्स का था। आप लोग घर पे कोई भी बिस्किट जो आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं उसके साथ आप कर सकते हैं। मीठा कम है तो वहाँ पे आप लोग हनी भी यूज़ कर सकते हैं बिस्किट में। तो यहाँ पर हम लोग को रेडी हो चुका है क्रीम चीज़, बहुत ही अच्छा। तो ये चीज़ क्रीम बहुत ही अच्छा परफेक्टली बना है। साथ में मैं कुछ ब्लैकबेरीज डाल दे रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप लोग टॉपिंग के हिसाब से कर सकते हैं, बट ये क्रीम चीज़ बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट से बनता है, 3 से 4। तो आप लोग डेफिनेटली ट्राई कीजिए, आप लोग डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, बच्चे लोग भी बहुत ही मन से खाएंगे। तो यहाँ पे जो करी पत्ता था अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो ये स्टेज में करी पत्ते को मैं एक एयर टाइट डब्बे में अच्छे से रख के मैं इसको फ्रिज में स्टोर करती हूँ। आप लोग चाहें तो बाहर में भी स्टोर कर सकते हैं, बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी करी लीव्स जो उसको ड्राई हो चुका है मैं उसको फ्रिज में स्टोर करती हूँ, क्योंकि कोई भी कारण वो ख़राब होने का चांसेस नहीं रहता है। तो इसके बाद मैं इसको एक लीव लगा देती हूँ और करी लीव एंड मिंट के पत्ते को हम लोग डीप फ्रीजर में जाके मैं स्टोर कर दूँगी। बम सब्जी बना रहे हैं ना मम्मा, अब नॉटी काम कर रहे हैं। आज क्या खाएंगे हम लोग? नो, आज हम लोग पनीर मसाला खाएंगे। क्या खाएंगे? पनीर मसाला। यस, को एक्साइटेड करके दिखा, थोड़ा एंग्री करके दिखा, थोड़ा हंस के दिखा, अच्छे से स्माइल करो। तो चिट चैट होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब तक जो भी था किचन का कुछ भी नहीं था। तो अब मैं पनीर 200 ग्राम पनीर ले रही हूँ और उसको मैं क्यूब क्यूब शेप में इस तरह से काट ले रही हूँ। तो पनीर काटने के बाद मैं जो रिजला बनाऊँगी उसमें दे रही हूँ प्याज। आप लोग अगर प्याज लहसुन नहीं देना चाहते तो भी ये रेसिपी बहुत ही बेहतर बनता है, आप लोग दोनों ही ट्राई कीजिएगा। बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्याज के साथ बनाती हूँ तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। तो मैं 200 ग्राम पनीर में डाल रही हूँ एक प्याज जो हल्का सा रफली चॉप कर लिया हूँ, और साथ में ले रही हूँ 2 tablespoons खसखस एंड 6 से 8 काजू जिसको मैं पहले से भिगो के रखी हूँ, और उसके बाद मैं लूँगी खड़े गरम मसाला। यही जो बेसिक मसाला जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, जैसे दालचीनी, इलायची, ब्लैक पेपर एंड तेजपत्ता। तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड यहाँ पर मैं ले रही हूँ पैन, और पैन में मैं डालूँगी तेल। तो पनीर को यहाँ पर सिंपली फ्राई करना है हल्का सा रेड होने तक। यहाँ पर मैंने कोई मसाला, कोई नमक ऐड नहीं किया हूँ। पनीर रिजला बहुत ही लाइट बनता है, गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मस्ट ट्राई। इसमें मसाला बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लाइट होता है, बट इसके साथ पराठा नान बहुत ही अच्छा जाता है। तो यहाँ पर पनीर को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम लोग एक एक करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पनीर अच्छे से फ्राई हो चुका है, देखिए यहाँ पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर एक बाउल में निकाल लेते हैं एंड सेम तेल में मैं यहाँ पर ऐड करूँगी खड़ा गरम मसाला, जैसे तेजपत्ता, इलायची, लौंग और आपका है ब्लैक पेपर। खड़े मसाले को अच्छे से तेल में हम लोग फ्राई कर लेंगे जब तक ना इसे अच्छे से एक महक मैंने जो स्मेल है, अच्छा सा जो एरोमा है, जब तक नहीं निकलता है तब तक हम लोग तेल में मसाला को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद कटा हुआ जो एक प्याज जो रफली कट करके रखी थी वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो प्याज को हम लोग सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है,
तो ये स्टेज में जो मसाला मैं पहले से ग्राइंड करके रखी थी, खसखस और आपका काजू, खसखस और काजू का जो मिक्सचर है उसी पेस्ट का जो मिक्सी जार है उसी में हम लोग इसमें ऐड कर दे रहे हैं। अलग से मैं किसी को ग्राइंड नहीं करूँगी। तो यहाँ पर प्याज, खसखस एंड काजू को अच्छे से पेस्ट बनाने के बाद साइड में रखते हैं एंड यहाँ पे तेल लेते हैं। एंड तेल लेने के बाद मसाला अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, तो यहाँ पर जो भी मसाला है यहाँ पर ऐड कर दूँगी और अच्छे से हम लोग मसालों को भूनेंगे। अच्छे से मसाला भूनना इसीलिए क्योंकि खसखस का थोड़ा सा रॉ फ्लेवर रहता है जो एकदम भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। एक दो मिनट के बाद भूनने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दे रही हूँ जो मिक्सी जार में मसाला लगा हुआ था, साथ में ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। एंड अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद अच्छे से फ्राई करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे दही। दही भी अब यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं हाफ कप। एंड दही डालने के टाइम हम लोग गैस को बंद करेंगे, साथ में डालेंगे गरम मसाला। एंड गरम मसाला डालने के बाद हम लोग 3 से 4 मिनट तक मसाला को अच्छे से भूनेंगे। तो मसाला भूनते रहेंगे जब तक ना इसमें अच्छे से तेल ना आ जाए। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से देखिए उबाल आ चुका है, तेल भी निकलना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली कैमरा में उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर तेल बहुत कम दिया हूँ। आप लोग चाहें तो थोड़ा तेल का क्वांटिटी ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर मसाला अच्छे से भूनने के बाद हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे नमक। एंड नमक डालने के बाद मसाला को 5 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आफ्टर 5 मिनट के बाद देखिए मसाला अच्छे से कुक हो चुका है, जो भी मसाला अच्छे से बन चुका है। तो यहाँ पर ऐड कर रहे हैं जो फ्राई किया हुआ पनीर। एंड पनीर डालने के बाद पनीर को मसाला के साथ अच्छे से कोट कर देंगे। एंड कोट करने के बाद हम लोग यहाँ पर लीड लगा, आफ्टर 5 मिनट के बाद हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं केवरा जल। एंड केवरा जल डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एंड मिक्स करने के बाद हम लोग यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शाही गरम मसाला, आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। एंड साथ में हम लोग डालेंगे घर पे बना हुआ जो क्रीम, मतलब जो दूध से मुझे निकलता वो क्रीम, आप लोग चाहें तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। क्रीम डालने से जो पनीर का एक क्रीमी टेक्सचर आता है बहुत ही यम्मी लगता है। और इवन जो भी मसाला है एकदम से मतलब लोग यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही लाइट होता है बट बहुत क्रीमी जैसा फील होता है। तो ये रेसिपी डेफिनेटली ट्राई कीजिए, साथ में थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दीजिए तो इसका जो फ्लेवर होता है और भी उभर के आता है। तो ये था मेरा आज का ओवरऑल डिनर रूटीन जो बहुत ही यम्मी था। आप लोग रोटी नान के साथ सर्व कर सकते हैं, मैं जनरली यहाँ पर नान के साथ ही खाती हूँ। तो ये कैलकाटा में बहुत ही फेमस है, कैलकाटा स्टाइल पनीर रिजाला अगर वेज खाते हैं। और ख़ासकर अगर आप लोग प्याज लहसुन नहीं खाना चाहते, टोटली ऑप्शन स्किप करके भी ये रेसिपी को बना सकते, बहुत ही यम्मी बनता है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली मेरे चैनल को हिट कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल वाला बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिए। फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।